तो किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। सरकार कृषि कानून के संशोधन को लेकर तैयार है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और इस विवाद पर जी हिंदुस्तान ने किसानों के मन की बात जानने की कोशिश की और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर चौपाल में आपको हम सीधे ले चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त मैं हूँ और जिस ट्रैक्टर पेशक में सवार हूँ, इस ट्रैक्टर पर महीनों का राशन ऑलरेडी रखा हुआ है। किसान सोते भी यही है, खाने का जितना सामग्री है वो भी इस ट्रैक्टर पर रखा रहता है। बहुत सारे किसान इस वक्त मेरे साथ इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि किसान अपनी मांग को लेकर के बेहद अड़ा हुआ है। आप बताइए कि अब तो 9 दिसंबर को बैठक है सरकार के साथ, कल की बैठक भी बेनतीजा ही निकली और कल तो काफी गहमा गहमी भी हो गई थी बैठक में। आप यूपी का किसान क्या सोच रहा है? यूपी का किसान आने वाले 2 से 3 दिन में पूरी मजबूत तरीके से चढ़ाई कर देगा यहाँ पे बॉर्डर पे भी, और ये हमारी मांग किसान को माननी पड़ेगी, क्योंकि इस बार हम अपनी मांगों को बिना मनवाए वापस नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे हमें कुछ भी करना पड़े, अपना फांसी का फंदा हम अपने किसान भाइयों के लिए उनके गले में नहीं डलने देंगे। आप सब देख रहे हैं डेली के डेली ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और अगले 2-3 दिन में आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और इनका जो तानाशाही रवैया है ये इनको अपना खत्म करना पड़ेगा, यानी कि सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के सामने। किसान इसीलिए आंदोलन, किसान का दिन बे दिन बड़ा होता चला जा रहा है। अगर आपको मैं तस्वीर भी दिखाऊं उस पूरे गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर भारी संख्या में किसान आंदोलन कर रहा है, अड़ा हुआ है, ऊपर NH9 भी आधा ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पे 200 से 500 की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली सब मौजूद है, लंगर बकायदा चल रहा है और यहां पर किसान लगभग काफी दिनों से, लगभग 9-10 दिनों से डटे हुए हैं। आप बताइए हमको। देखो, युवाओं की जिंदगी जैसे हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन करे, हमने ये सरकार इसलिए चुनी कि हमें आंदोलन की जरूरत ना पड़े। मोदी जी को हमने वोट दिया, केवल इस वजह से वोट दिया मोदी जी को क्योंकि भाजपा सरकार को तो हम पहले जानते ये। लेकिन मोदी जी ने जो हमसे वायदे करे किसानों से, उन्होंने कहा कि भाई हम किसानों के लिए वो करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं करा, और वो कर दिया उन्होंने। आज वो ही करा जो आज तक किसी ने नहीं करा। ये इस तरह का अध्यादेश आज तक किसी सरकार ने नहीं करे, आज मोदी जी ने करके दिखा दिए। लेकिन हमें आज भी मोदी जी पर विश्वास है, अगर वो चाहे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसानों की बात मान ले। अच्छा, सरकार एक बात तो कह रही है कि आप जितनी तब्दीलियां कहेंगे हम उतनी तब्दीलियां कर देंगे, संशोधन सारे कर देंगे, लेकिन कानून रद्द करना मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन किसान शुरू में कह रहा था कि बदलाव कर दो, MSP लिखित में दे दो, लेकिन अब किसान भी कह रहा है कि नहीं, पूरी तरह से कानून रद्द कर दो। अगर सरकार संशोधन करना ही चाहती है तो कर दे संशोधन, करके तो दिखावे, किसानों को बतावे तो भाई आपके फायदे के लिए हमने ये संशोधन कर दिया। सरकार की नियत में खोट, सरकार किसानों को दबाना चाहती है, मारना चाहती है, काले कानून थोपना चाहती है। अगर सरकार कह रही है कि संशोधन करना चाहते हैं हम, तो सरकार करती क्यों नहीं संशोधन, चुप क्यों बैठी है 9 दिन से किसान जो है सड़कों पर है। लेकिन जो 2 बैठक हुई आंदोलन के बाद, उस दोनों ही बैठक में, कल एक और जो बैठक हुई है, तीनों ही बैठक में सरकार ने संशोधन की बात कही, लगातार कही, सरकार बार बार कह रही है कि संशोधन हम कर रहे हैं, लेकिन किसान लगातार कह रहे हैं कि कानून रद्द करें। सरकार अगर संशोधन की बात कह रही है तो संशोधन कर क्यों नहीं रही, किसानों को विश्वास में क्यों नहीं ले रही? सरकार सिर्फ धोखा देना चाहती है, इन कानूनों की जरूरत ही नहीं थी, ये कानून इसीलिए थोप दिए धोखा देने के लिए। सरकार किसान को पहले से दबाती आ रही है और बिल्कुल अब मारना चाहती है। आप क्या कहेंगे? अब मैं कहूँगा, ये मोदी जी जब आए थे पहले तो इन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार थी, अगर हमारी सरकार आई तो हम किसान का गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे, 450 रुपये कुंटल का रेट करेंगे। इन्होंने झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ी। पिछले साल का 14 दिन की बजाय 14 महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिला गन्ने का, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल भी बढ़ा दिया, गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया, अब उसमें क्या करें? अब किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मोदी जी और योगी जी झूठ बोलने से कोई काम ही नहीं करते। अच्छा, किसानों के लिए भी तो बहुत मुश्किल होगा ना, इतने दिनों तक लगातार किसान अड़ा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, ट्रक में रातें गुजार रहा है, खा पी रहा है, बच्चे घर परिवार सब छोड़ करके यहाँ पर पहुंचा हुआ, आप लोग के लिए भी तो रात बिताना बहुत मुश्किल हो रहा होगा इस सर्दी के समय। देखो जी, बितानी तो पड़ेगी रात, नहीं जो घर रजाई में बिता सके वो यहाँ कहाँ बीतेगी। आप क्या कहिएगा? देखो, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आया है, सर्दी गर्मी रात तो ये सब झेल लगा, जब रात को खेत में पूरी रात पानी चला हुआ है, पैरों के नीचे को सांप चले, तो किसान तो सब झेलता है, ऐसी आदत पड़ रही है, दिक्कत ना मान लो, यही डटा रहेगा इतना, इसकी
मांग पूरी नहीं होने की। तो कितने महीने की तैयारी आप लोग लगभग करके आए हैं? हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, 26 तारीख की परेड में शामिल होंगे। अगर सरकार चाहे तो हम शामिल होंगे, सरकार के तो हाथ में, हमारी मांग मान लगे हम अपने घर चले जाएंगे। फसल खड़ी हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपके चौधरी साहब ने क्या बताया कल, तो वो भी बैठक में, तो उन्होंने क्या बताया सरकार के हाव भाव से क्या लग रहा था, कानून रद्द होगा या फिर वार्ता पे वार्ता चलती रहेगी? सरकार किसानों को थकाना चाहती है। अच्छा। किसान थक जाए और अपने घर चले जाए, लेकिन अब की बार किसान घर नहीं जाएगा। अब की बार घर से मूड बना के आया है कि अपनी हक की आवाज लेकर अपना मांग पूरी करवा के जाएंगे। महीना एक लगो या महीने 6 लगो, 6 महीने का राशन ट्राली में 6 महीने का वो है, गैस सिलेंडर भी है, लंगर का पूरा धंधा है, और बाकी कम पड़ेगा ट्राली। और 9 तारीख में बहुत ज्यादा किसान घरों से निकलेगा, यहाँ चक्का जाम हो जाएगा। 9 तारीख या 8 तारीख को भारत बंद है? भारत बंद है अपने अपने गांव गली मोहल्ले जो जहाँ पे भी होगा 8 तारीख में भारत बंद करेंगे और 9 में सब रवाना होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पश्चिम यूपी में कहावत है कि अब के कि हमारे हम जो मधुमक्खी होती है उसके छत्ते को बोलते हैं कि बिरड़ का छत्ता। अब के इन्होंने उसमें हाथ दे दिया है, तो उसमें जो हाथ में दिया जाता है तो सही सलामत नहीं आता। अब इन्होंने ऐसी जगह हाथ डाल दिया है कि अब के सही सलामत सरकार नहीं जाएगी। और मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अब के किसानों से गलत पंगा ले लिया। ये हम लोगों को बताना चाहते हैं, हम देश पे की देश चला रहे हैं, वो देश चलाते हम, वेस्ट यूपी हरियाणा पंजाब राजस्थान देश की सेवा सबसे ज्यादा हमारे किसान और जवान इन्होंने आमने सामने खड़े कर दिए, इसका इन्हें भुगतान करना पड़ेगा। ये अच्छा एक और बात, सरकार ने कहा कि हमने दो कदम आगे बढ़ाए, हमने थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन किसान बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखा रहा है। कल जो बैठक हुई इसमें बहुत गहमा गहमी हुई, किसानों ने पट्टियां लगा करके यस या नो का वोट दिखाया मंत्री को, वॉकआउट करने की सिचुएशन बन गई थी। ऐसे सरकार कह रही कि ऐसे कैसे चलेगा? देखो इसमें जो है ना, जो सरकार ये सोच रही, सरकार अगर नरमी दिखाती तो ये 9 दिन आते। इसका जो ये बिल आया है इसका विरोध तो हम उसी दिन से कर रहे हैं जब से हमें पता चला है कि ये सरकार बिल लेना चाह रही है, तो इसका हमने विरोध शुरू कर दिया।